बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानी नारी चैनल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप फिट होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो मैं चक्की से आटा लेने गया हुआ था, तो रास्ते में मैंने दो चीज़ें देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा क्यों नहीं दोस्तों से शेयर कर देते हैं। एक वो जो दिन आपको कुआँ दिखाया, तो वहाँ पर मशीन आ चुकी है बोर वाली। मैंने कहा कुछ क्लिप आपसे वो भी शेयर कर देते हैं। और हमारे मोहल्ले में एक सरकारी वाटर सप्लाई है, उस पे ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर प्लेट्स। तो मैंने कहा वो उनसे भी मालूम ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आज हमारे मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग थे, बहुत नई दिल आदमी थे, वो वफात पा चुके थे। तो उसने पूछा कि आप उनकी मफरत की दुआ करें, तो चलते हैं और आपको कुछ प्लेट दिखाते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ वाटर सप्लाई पर, आपको पीछे से नज़र आ रही होगी। तो बैक कैमरे से आपको मशीन दिखाता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं अभी वो, नीचे जो उसके स्टैंड बनने हैं ना सोलर प्लेट्स के, वो इंस्टॉल अभी कर रहे हैं। तो इनसे मालूम भी लेते हैं और आपको बताते हैं। ये देखें, ये स्टैंड इन्होंने लगाए हैं, जो कि 7 के 8 स्टैंड ये अभी लगा रहे हैं, ये अभी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल इनके ऊपर वो जो सोलर प्लेट्स हैं वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो 65 जो सोलर प्लेट्स है टोटल वो लगनी है, और ये एक प्लेट 435 वाट बिजली पैदा करती है। और ये जो हमारे मोहल्ले की वाटर सप्लाई है वो इस सोलर पे चलेगी, ताकि बिल वगैरह कम आए। ये सोलर प्लेट पड़ी हैं, ये जो कल लगनी है इंशाल्लाह कल लग जाएंगी। इससे ये फ़ायदा है कि बिजली का बिल तो एक कम आएगा, और दूसरा पानी अब नहीं रुकेगा, पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। अगर बिजली ना भी हो तो ये वाटर सप्लाई चल जाएगी। ये बोर वो है जो पानी हमारे मोहल्ले को करता है। अब हम दूसरी साइड बोर वाली साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ के आपको नज़र आ रहे दिखाएंगे। इधर अभी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे इन्होंने किस तरह प्लेट्स वगैरह लगाई हैं और किस तरह कनेक्शन किया है और कौन सा यूनिट वगैरह लगाया है। तो इनसे पूछेंगे, अभी ये काम में मसरूफ थे तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें बोर मशीन चल रही है, जिसकी मदद से ये इन्होंने स्लिंग्स डाली हुई हैं और वो पाइप अंदर डालते हैं, जो कि अंदर जाकर खुदाई करते हैं। ये भाई लगे हुए हैं, पहले वक्तों में लोग हाथों से खुदाई करते थे और बड़ा ही टाइम लग जाता था, हफ्ते महीने लग जाते थे, अब तो 2 दिन ही नहीं लगते। आपने देखा है किस तरह वो बोर कर रहे हैं। तो आज का लाग बहुत ही छोटा सा है, तो आपने दाने पर एक दुआ में याद रखना है, और जिस तरह पहले सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह आपने सपोर्ट करती रहनी है। और अपने दाने भाई को दे ज़्यादा खुदा हाफिज़।